की कक्षा में मैं सुनीति मिश्रा आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। बच्चों हम लोग पढ़ रहे हैं बाल महाभारत कथा और आज मैं पढ़ाने जा रही हूँ उसका 38वां पाठ अश्वत्थामा। पिछले पाठ में आप पढ़ चुके हैं कि दुर्योधन और कर्ण भी मारे जा चुके हैं। अब कितने बच्चे हैं यहाँ पर, यह है अश्वत्थामा। अश्वत्थामा है कुरुद्रोण का पुत्र। दुर्योधन पर जो कुछ बीती उसका हाल सुनकर अश्वत्थामा बहुत दुखी हो गया। उसके पिता द्रोणाचार्य को मारने के लिए जो इतना बड़ा षड्यंत्र किया गया कि कह दिया गया अश्वत्थामा मारा गया, अश्वत्थामा मारा गया, और उस वजह से उनको मार दिया गया, वो उसे भूला नहीं था। वह उस स्थान पर जा पहुंचा जहां दुर्योधन मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहा था। दुर्योधन के सामने जाकर अश्वत्थामा ने दृढ़ता पूर्वक प्रतिज्ञा की कि मैं आज रात को ही पांडवों को मार डालूंगा, उनको नष्ट करके ही रहूंगा। मृत्यु की प्रतीक्षा करते हुए दुर्योधन ने जब ये सुना तो उसका पुराना दुश्मनी फिर से जागृत हो गई। तो ये सुनकर उसे बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने आसपास खड़े हुए लोगों से कहा, से कहकर अश्वत्थामा को कौरव सेना का विधिवत सेनापति बना दिया कि ठीक है, इसका मतलब युद्ध समाप्त नहीं हुआ और तुम मेरी सेना के सेनापति हो। उसने कहा, आचार्य पुत्र, शायद मेरा यह अंतिम काम है, शायद आप ही मेरी आत्मा को शांति दिला सके और मैं बड़ी आशा से आपकी राह देखता रहूंगा, मतलब मैं मरूंगा भी नहीं जब तक कि आप पांडवों को मार के नहीं आ जाते। सूरज डूब चुका था, रात हो चुकी थी और एक बड़े बरगद के नीचे अश्वत्थामा, कृपाचार्य और कृतवर्मा रात पे रात बिताने की गरज से रुके। कृपाचार्य और कृतवर्मा बहुत थके हुए थे इसलिए दोनों पड़े पड़े वहीं सो गए, लेकिन अश्वत्थामा को नींद नहीं आई। उसने सोचा कि मैं इन पांडवों और पिताजी की हत्या करने वाले धृष्टद्युम्न और संगी साथियों को क्यों ना एक साथ ही मार डालूं। उसको लगा कि अब तो हम कम लोग बचे हैं, तो हम अगर युद्ध करेंगे तरीके से तब तो हम जीत नहीं पाएंगे, तो क्यों ना रात के समय सब अपने शिविर में पड़े हुए सो रहे होंगे, तो मैं इन सबका वध कर डालना बहुत आसान होगा। इसलिए उसने अश्वत्थामा ने क्या किया, कृपाचार्य और कृतवर्मा दोनों को जगाया और कहा कि हम लोग इन्हें सोते हुए मार देते हैं। ये सुनकर वो दोनों बड़े दुखी हो गए। बोले, अश्वत्थामा देखो, सोते हुए को मारना तो बड़े अधर्म की बात है, ये तो नहीं हो सकता, ये विचार तुम छोड़ दो। तो अश्वत्थामा झल्लाकर बोला, ये तुमने क्या धर्म कर्म की रट लगा रखी है, क्या मेरे पिता को मारना धर्म के खिलाफ नहीं था। अब जब इन्होंने ऐसा कहा तो ये लोग पांडवों के शिविर की ओर जाने के लिए तत्पर हो गए। यह देखकर ये तीनों भी चल दिए। आधी रात बीत चुकी थी, पांडवों के शिविर में सभी सैनिक मीठी नींद में सोए हुए थे। उनको तो लगा कि हम तो युद्ध जीत गए, तो वो आराम से सोए हुए थे। अश्वत्थामा ने पहले धृष्टद्युम्न के शिविर में घुसा और सोए हुए धृष्टद्युम्न को पैरों से ऐसा कुचला कि वो तत्काल ही मर गया। पांचाल वीरों को भी अश्वत्थामा ने कुचलकर भयानक ढंग से मार डाला और द्रौपदी के पुत्रों को भी एक एक करके हत्या कर दी। कृपाचार्य कृतवर्मा भी इन्हें भी इस हत्याकांड में अश्वत्थामा का साथ निभाया। तीनों ने ऐसे ऐसे अत्याचार किए जो किसी ने नहीं सुने थे। उन्होंने उस शिविर में आग लगा दी, जो सैनिक इधर उधर भाग रहे थे उन्हें वापस उठा के उसी शिविर में फेंक दिया, मतलब लोगों को जीवित जला दिया और भयभीत होकर इधर उधर भागने लगे। उन सबको अश्वत्थामा ने बड़ी निर्दयता से मार डाला। दुर्योधन के पास पहुंचकर अश्वत्थामा ने कहा, महाराज दुर्योधन, आप अभी जीवित हैं क्या? देखिए, आपके लिए मैं ऐसा अच्छा समाचार लाया हूं जिसे सुनकर आपका कलेजा जरूर ठंडा हो जाएगा। जो कुछ हम लोगों ने किया है उसे आप ध्यान से सुने। सारे पांचाल खत्म कर दिए गए हैं और पांडवों के भी सारे पुत्र मारे गए हैं। पांडवों की सारी सेना को हमने सोते हुए ही सर्वनाश कर दिया। पांडवों के पक्ष में अब केवल 7 ही व्यक्ति जीवित रह गए हैं और हमारे पक्ष में केवल हम 3 ही बचे हैं। कौन? कृपाचार्य, कृतवर्मा और मैं। यह सुनकर दुर्योधन बड़ा प्रसन्न हुआ। बोला, गुरु भाई अश्वत्थामा, आपने मेरी खातिर वो काम किया है जो न भीष्म पितामह कर सकते थे न ही महावीर कर्ण कर पाए। यह कहकर दुर्योधन ने अपने प्राण त्याग दिए। द्रौपदी की दयनीय अवस्था की तो क्या बात कहें। वह युधिष्ठिर के पास आकर बुरी तरह रोने लगी। क्यों? क्योंकि 5 बेटे उसके मारे जा चुके थे। शोक विहल द्रौपदी की हालत देखकर 5 पांडव अश्वत्थामा की खोज में निकले। ढूंढते ढूंढते आखिर उन्होंने गंगा नदी के तट पर छिपे अश्वत्थामा का पता लगा ही लिया। अश्वत्थामा और भीमसेन में युद्ध छिड़ गया और अंत में अश्वत्थामा हार गया। पांडव वंश का नामो निशान तक मिट गया होता अगर उत्तरा के गर्भ की रक्षा हो गई। यानी उत्तरा कौन है?
उत्तरा थी अभिमन्यु की पत्नी और वो गर्भवती थी, तो जो अभिमन्यु का होने वाला पुत्र था उसकी वजह से जो ये था पांडव वंश वो बच गया। उसका उसने परीक्षित को जन्म दिया उत्तरा ने, और यही परीक्षित पांडवों के वंश का एकमात्र चिन्ह रह गया था। हस्तिनापुर का सारा नगर निस्सहाय स्त्रियों और अनाथ बच्चों के रोने कलपने के हृदय विदारक शब्दों से गूंज उठा। युद्ध समाप्त होने का समाचार पाकर हजारों निस्सहाय स्त्रियों को लेकर विरुद्ध महाराज धृतराष्ट्र कुरुक्षेत्र की भूमि में आए, जहां उन्होंने अपने बंधु बांधवों ने एक दूसरे से भयानक युद्ध करके अपने ही कुल का नाश कर डाला था और उन्होंने विलाप करना शुरू कर दिया। तो बच्चों ये था हमारा आज का पाठ अश्वत्थामा। ठीक है, इसके मैं प्रश्न करा देती हूँ। अश्वत्थामा ने घायल दुर्योधन के सामने क्या प्रतिज्ञा की? अश्वत्थामा ने घायल दुर्योधन के सामने ये प्रतिज्ञा की कि वे आज ही रात को पांडवों को नष्ट करके रहेंगे। घायल दुर्योधन ने अश्वत्थामा से क्या कहा? घायल दुर्योधन ने अश्वत्थामा से कहा कि शायद ये मेरा अंतिम कार्य है और यदि आपने उन सबको मार दिया तो मैं शांति से मर सकूंगा, मैं बड़ी आशा से आपकी राह देखता रहूंगा। अश्वत्थामा ने पांडवों को मारने के लिए क्या योजना बनाई? पांडवों को मारने के लिए अश्वत्थामा मन ही मन सोचने लगा कि अभी वो लोग सो रहे होंगे तो क्यों ना उनको सोते हुए ही मार दिया जाए। तो बच्चों ये था हमारा आज का पाठ अश्वत्थामा। अब हम मिलेंगे अगले पाठ में, पाठ 39 में। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।